मेरा जॉब लग चुका है, सो क्या बता अभी और भी ज्यादा लोग मेरे से पढ़ जाए, क्या बता? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं सोचता था कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूंगा व्हेन आई विल गेट माय फर्स्ट सैलरी, दिस इज वन ऑफ देम। सो जब मेरा सैलरी आया सो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे खुद कमाई खुद का पैसा था फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में और आई वाज वेरी हैप्पी या और जो मेरी प्लान थे उसको मैं पूरा करना चाहता था एंड दिस इज व्हाट आई थॉट कि मैं करूंगा। सो आई टुक माय मॉम फॉर लंच और उनको जाना था 6 पालीगंज प्लेस। सो वहां पे बंगाली थालीस है और भी थालीस था और भी नॉर्मल फूड भी थी, मतलब नॉट थालीस थाली के अलावा। सो बट शी वांट टू हैव थाली, सो हम लोग गए, सो बुक एंड ऊबर से हम लोग गए और जाके पहुंचे डेस्टिनेशन 6 बालीगंज प्लेस। उसके बाद वी हैड आवर लंच और ये रहा सम फोटोज और मतलब मैंने फोटोज इसीलिए लिया है और वीडियो इसलिए नहीं लिया बिकॉज देयर आर सम विजुअल्स दैट मैं खुद तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। या फोटो भी एक टाइप ऑफ विजुअल है बट है ना, बट लाइक वीडियो इज समथिंग एल्स और फोटो इज समथिंग एल्स और दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और ये वाला जो विजुअल था ये मैं खुद तक ही रखना चाहता हूँ, थोड़ा सेल्फिश हूँ बट या सर्विस बोल सकते हैं बट आई कांट शेयर दिस थिंग्स। सो या तो उसके बाद ये हुआ मेरे साथ। सो मम्मी खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी था। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत सालों के बाद फिर से गया 6 बालीगंज प्लीज। और अभी तो मेरा जॉब लग चुका है सो क्या बता अभी और भी ज़्यादा लोग मेरे से पढ़ जाए, क्या बता? सो आई एम बैक घर पे, घर पे आ गए हैं हम लोग बहुत ज्यादा घूमने फिरने के बाद और आज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग लिटिल हैप्पी। लिटिल मीन्स हैप्पी तो हमेशा हूँ बट लिटिल थोड़ा 1% टू 10% थोड़ा ज्यादा हैप्पी बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई पेड माई ओन बिल्स विथ माई ओन मनी बिकॉज आई गॉट माई सैलरी और आई गिफ्टेड माई सेल्फ वन स्मार्ट वॉच, वाओ 5:30 और बहुत कुछ बताता है टेक्निकल शिट्स व्हाटएवर, इस जानने की जरूरत नहीं। और हाँ आज सर अच्छा लग रहा है मेरे को क्योंकि आई हैव प्रॉमिस्ड टू माई सेल्फ और जो मैंने खुद को प्रॉमिस किया था वो मैंने फुलफिल कर दिया है, हाफ ऑफ इट और हाफ तो अभी बाकी बिकॉज जिंदगी बड़ी है और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें लेके मैं चल रहा हूँ और बहुत कुछ करना बाकी है। और या दैट्स इट। और आज आफ्टर हैविंग द लंच इन 6 बालीगंज प्लेस आई वेंट टू, मी एंड माय मॉम वेंट टू सिटी सेंटर और सिटी सेंटर में जाके कुछ कुछ खरीदी ही मॉम ने, यू गाइस नो इट, आप लोग ने स्नैप्स तो देख ली होगी, अगर नहीं देखा तो स्नैपचैट मेरे को फॉलो करो और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहा तो क्या करो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना बिकॉज मैं इसके बाद ये वीडियो खत्म करने के बाद मैं जा रहा हूँ बनाने कुछ IG रील्स और पता नहीं कुछ आईडी वीडियोस, अभी कुछ 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 आइडियाज तो है दिमाग में। सैटरडे संडे छुट्टी है, आज सैटरडे है कल संडे है, सो बहुत सारी आइडियाज है जो मैंने लिख के रखा है, जो मैंने सेव करके रखा है उसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा ही बिजी हो गया है लाइफ और लाइफ बिजी होने के बावजूद भी आई हैव टू टेक आउट सम टाइम फॉर माई सेल्फ या बिकॉज ये नहीं किया तो आप लोग ने क्या किया, ठीक है। और पता है मैं आप लोग से इतना ज्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज यू आर लाइक माई फैमिली मेम्बर्स और फैमिली मेम्बर्स को सब लोग जाना जरूरी है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर सब कुछ जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कौन स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ। सो या और सबसे दुख तब होता है जब फैमिली मेंबर्स में से बस 100 लोग ही देखते हैं, लाइक इट्स 5,000 सब्सक्राइबर है तब भी 500 व्यूज, कोई नहीं, और भी ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो जो न्यू जुड़ रहे हैं आई होप दे वॉच माई ऑल वीडियोज बिकॉज आई मेक फनी कंटेंट व्लॉग्स और भी अच्छी अच्छी वीडियोज, ट्रस्ट मी। सो या दैट्स प्रीटी मच इट और क्या ही बोलूं आप लोग, सो लास्ट वीक तो नहीं डाल पाए वीडियो
बट दिस वीक तो मैं डालूंगा और आप लोगों को खुश करूंगा और आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन करूंगा। आप लोग के बिजी शेड्यूल से मेरी वीडियो देखिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा बिकॉज मैं खुद फनी हूँ। आप लोगों को फनी फनी चीज़ें दिखाऊंगा और फनी फनी चीज़ें करूंगा। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, नया है तो सब्सक्राइब करना। विद दैट सेट और या सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलो बाय।